नमस्कार, मैं मनीष मेहता और इस वक्त झारखंड से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 दिनों की मोहलत और दी है। दूसरी तरफ ईडी की जो कार्रवाई है वो कलकत्ता में जारी है। तीसरी तरफ पूजा सिंघल से रांची की ईडी कार्यालय में आज दूसरे दिन भी पूछताछ चल रही है। यानी अगर आप ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त लगातार जो है केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है झारखंड में सक्रिय है और झारखंड के बाहर भी इसको लेके कार्रवाई चल रही है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के थिंक टैंक और पार्टी के विधायक सुदेव सोनू जी। सुदेव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। लेकिन मेरा पहला सवाल यही नमस्कार, है, आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि 10 दिनों का मोहलत आपको चुनाव आयोग से और मिला है, लेकिन ये 10 दिनों में क्या कुछ बदलेगा आपके नज़र में? देखिए, ये चुनाव आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न और उसके द्वारा दिए जाने वाले जवाब, ये एक प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। 2 मई को चुनाव आयोग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए निर्देशित किया गया था। तिथि दी गई थी 10 मई की। माननीय मुख्यमंत्री अपनी निजी व्यस्तता के चलते उन्होंने कुछ अतिरिक्त समय की मांग की थी। निर्वाचन आयोग ने उनकी अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 20 मई तक का समय दिया है। 20 मई से पहले माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से समुचित जवाब निर्वाचन आयोग को चला जाएगा और जो भी मसले हैं उनका निश्चित रूप से समाधान होगा, दिखेगा। लेकिन सुदेव जी, जब आप ये कहते हैं कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि वक्त भले ही ले लिया है आप लोगों ने, लेकिन जो आप लोगों की सरकार के में जो मुखिया हैं और जो उनके परिवार के और अन्य लोगों को जिस तरह से उपकृत करने की कोशिश की गई है, इसका परिणाम आज ना कल उन्हें झेलना पड़ेगा। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू न्यायाधीश बने हुए हैं। पिटिशनर भी वही हैं, वकील भी वही हैं, हाकिम भी वही हैं। अब परिस्थितियां ये होती है कि इस भ्रम की स्थिति में जी रहे लोगों को सारी चीजें अपने अनुकूल दिखती हैं। उन्हें यह दिखता है कि भाई, मुख्यमंत्री जी को नोटिस हो गया, तो मुख्यमंत्री जी के नोटिस पर निर्वाचन आयोग का निर्णय क्या होगा, ये भी वो बैठ के अपने कार्यालयों में प्रेस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं। जनता क्या करेगी ये भी बताने का वही काम कर रहे हैं। मैं तो बड़े स्पष्ट लहजे में ये कहता हूँ कि जनता जनार्दन है इस लोकतंत्र में, और जनता जनार्दन ने 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर समेट के रख दिया। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की लोकप्रियता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और जनता का यह जनादेश, उसका आशीर्वाद निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार के साथ है। और हम इस बात के लिए पूरी तरीके से मुतमईन हैं, इत्मीनान में हैं कि आने वाले दिनों में झारखंडी हितों की सबसे बड़ी पैरोकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में झारखंडी जनादेश मौजूद रहेगा। लेकिन क्योंकि आपने सरकार के जनादेश की बात कही है, जनता के जनादेश की बात की है, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि इस बीच अगर आप देखें, पिछले 2 हफ्तों के दौरान अगर हम देखें झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति पर अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बिल्ट हो गया है। आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए, आप जनता के बीच चले जाइए, कहीं ना कहीं ये लोग चर्चा का विषय है कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, और इसका असर जनता से जुड़े जो विकास के कार्य है उस पर भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा क्लियर करिए कि इस विषय पर, कि अगर एक्शन होता भी है तो सरकार की सेहत पर क्या होगा। आपने हालांकि इस पर बहुत कुछ बोला भी है, लेकिन मेरा सीधा सवाल यह है कि सरकार की स्थिरता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, या विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, आप लोग इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बहुत बार इस बात को दोहराया है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनावों में जनता के द्वारा पराजित होती है तो सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी तरह के प्रयास करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, चाहे वो नैतिक हो चाहे वो अनैतिक हो। आज सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़ा करने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि चैनलों के दफ्तरों में या पार्टी कार्यालयों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सरकारें बनती और बिगड़ती नहीं हैं। सरकारें बनती और बिगड़ती हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा में, और विधानसभा की दलीय स्थिति और गठबंधन के पक्ष में समर्थन की स्थिति को जब आप देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आज के डेट में गठबंधन के पास 48 विधायकों का समर्थन है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास किया गया है, वास्तव में झारखंड की जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पल है कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है, जनता के हितों में बेहतर काम करने वाली सरकार की गति को रोकने का प्रयास है। लेकिन मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ
कि गठबंधन की सरकार प्री पोल अलायंस के तहत जनता के बीच गई थी। हमारा चुनाव पूर्व का गठबंधन था, हमने चुनाव के बाद गठबंधन नहीं किया था। हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर जनता के बीच गए थे और जनता ने इसलिए हमें आशीर्वाद दिया था। और प्री पोल अलायंस की के इस गठबंधन की सरकार 5 वर्ष पूरा करेगी, पूरी मजबूती से करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि इस 22 वर्षों के झारखंड में सर्वाधिक दिन झारखंड की सत्ता में भाजपा के रहने के कारण जो झारखंड की दुर्दशा हुई है, इस दुर्दशा से झारखंड को बाहर निकालने का बड़ा ईमानदार प्रयास हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि विरोधियों के इन प्रपंचों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए हम जनता के हित में, झारखंडी जनमानस के हित में, झारखंडियों की जो जरूरत है उसके हित में मजबूत फैसले लेंगे और उनको लागू करके दिखाएंगे। सुदीप जी, इस बीच क्योंकि आप खुद हो या आपकी पार्टी के नेता या आपके सहयोगी पार्टी के नेता बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो जांच एजेंसियां हैं उसके जरिए कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, सरकार का एक जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं और खुद बाबूलाल मरांडी भी, वो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा में जो दल बदल मामला उनका है वो जानबूझकर अटकाया जा रहा है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं दिया जा रहा है और एक स्क्रिप्टेड पॉलिसी के तहत जो है एक पटकथा तैयार की गई है कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए। देखिए, दो प्रश्न आपने पूछे मुझसे। जांच एजेंसियों के कार्यप्रणाली या उनके छापों को किसी सरकार की स्थिरता और अस्थिरता से देखने की कहीं कोई कतई आवश्यकता नहीं है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि पिछले 3 दिनों से ईडी की चल रही जांच में ईडी के तरफ से जो भी आधिकारिक बयान आए हैं, जो मैंने अखबारों में देखा है या मैंने जो न्यूज चैनल्स में देखा है, वो तमाम मामले इस बात को इंगित करते हैं कि 2008 में हुए मनरेगा घोटाले से संबंधित यह छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसियां कब किस पर छापा मारेंगी, कब वो कार्रवाई करेंगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। मेरी आपत्ति सिर्फ एक बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को मनरेगा जांच से शिफ्ट कराकर खनन घोटाले के तरफ ले जाने का प्रयास किया, जबकि हकीकत यह था कि खनन के मामले में न तो कोई शिकायत दर्ज हुई है, न कोई जांच चल रही है और न ही ईडी की यह जांच खान से संबंधित थी। तो मेरा यह कहना है कि जांच एजेंसियों के छापेमारी या कार्रवाई के टाइमिंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई सवाल नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस दुष्प्रचार का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और मजबूत सामना करेंगे और जनता को यह बताएंगे कि 2008 जबकि भारतीय जनता पार्टी का शासन था उसके दरमियान हुए मनरेगा के घोटाले, 2017 जिसमें इसी पूजा सिंघल को रघुवर दास जी और तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी के नेतृत्व में क्लीन चिट दी गई थी, ये तमाम चीजें कितनी बड़ी कंट्राडिक्ट्री हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि यदि 2017 में क्लीन चिट दे दी गई थी तो ईडी की जांच के औचित्य क्या, और यदि ईडी की जांच चल रही थी तो राज्य सरकार उसको क्लीन चिट देने की एजेंसी कौन थी। मैं तो ये सवाल स्पष्ट रूप से आपसे, आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं। और रह गया सवाल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, तो बाबूलाल मरांडी जी की याददाश्त सीमित हो गई है, सीनियर आदमी है। 2014 से लेकर 19 तक उनके 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाकर तमाम तरह की सुविधाएं भोग रहे थे, उनके मामले में भी स्पीकर के माननीय अध्यक्ष के न्यायाधिकरण का फैसला आने में क्या समय लगा था यह शायद वो भूल गए। यदि उस समय के आए हुए न्यायाधिकरण के फैसले की समयावधि पर उनका कोई आपत्ति नहीं था तो आज स्पीकर के न्यायाधिकरण के फैसले पर वो सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, शहीद का दर्जा पाना चाहते हैं। और मैंने तो पूर्व में भी कहा और पुनः दोहरा कर कहता हूं कि 2019 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध लड़कर आए थे। अगर भाजपा का विधायक दल का नेता बनने का इतना शौक है तो वो इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनके राजनवार विधानसभा से जीत कर आए, स्पीकर सहर्ष उन्हें नेता विरोधी दल का या विधायक दल का नेता का तमगा देंगे। लेकिन सुदीप जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि पूजा सिंघल मामले में आज दूसरे दिन भी ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ कलकत्ता में भी रेड चल रही है। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि इस मामले में सरकार की क्या सोच है, पार्टी क्या सोच रही है, क्या पूजा सिंघल के खिलाफ कोई बड़े एक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर सरकार का 0 टॉलरेंस नीति, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा, तो ऐसे में
जनता भी ये लगातार पूछ रही है कि अगर इतनी रकम बरामद हो रही है, 2 दिन से लगातार पूछताछ चल रही है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले पर कोई एक्शन लेगी या सिर्फ बयान सामने आएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं, इसको बड़ी गंभीरता से समझनी चाहिए। राज्य सरकार के में कार्यरत दो तरह के कर्मचारी होते हैं। एक राज्य सेवा से आते हैं, झारखंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, और एक यूपीएससी से आते हैं। यूपीएससी के पदाधिकारी राज्य सरकार को केंद्र के द्वारा लोन पर दिए जाते हैं। जब तक मामले की बहुत स्पष्ट जांच और मंतव्य रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक राज्य सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पाती है। निश्चित रूप से यह केंद्र का मसला होता है, लेकिन हमें यह लगता है कि राज्य के मुखिया और राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं कि चूंकि यदि ईडी के कार्रवाई में उनका नाम आया है और अभी लगातार ईडी समन करके उन्हें अपने कार्यालय बुला रही है, तो वैसी स्थिति में राज्य में बतौर सेक्रेटरी जिन विभागों की वो सचिव हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में कहीं ना कहीं विलंब होगा या व्यवधान उपस्थापित होगा। तो मुझको ये जरूर लग रहा है कि राज्य सरकार तत्काल सरकारी विभागों के कार्यकलाप में व्यवधान उपस्थापित ना हो, इसका कोई रास्ता निकालेगी, और ईडी के सुस्पष्ट मंतव्य या जांच एजेंसियों के द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में उन पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को लिखेगी। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। इस बीच पूजा सिंघल ने इस महीने यानी 30 मई तक जो है छुट्टी का एक रिक्वेस्ट भेजा, उसे विभागीय अधिकारियों के मुख्य सचिव की तरफ से एक्सेप्ट करने की खबर आ रही है। तो ऐसे में अगर जब अधिकारी की छुट्टी एक्सेप्ट कर ली गई है, तो फिर क्या आगे एक्शन का मन बन रहा है? आपको लग रहा है कि एक्शन होगा? मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि देखिए, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर चीजों को नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बात उतनी ही सत्य है कि यदि तथ्यात्मक जानकारी आती है जांच एजेंसियों के माध्यम से निकलकर राज्य सरकार तक इन जानकारियों को साझा किया जाता है, तो राज्य सरकार केंद्र को अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ इसमें कार्रवाई के लिए आग्रह करेगी। चलिए सुधीर जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से आपने देखा कि ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है, दूसरी तरफ पूजा सिंघल से आज दूसरे दिन भी ईडी के दफ्तर में लगातार जो है ईडी के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं, तीसरी तरफ कोलकाता में जो है रेड भी जारी है, लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जो सुदेव सोनू जी ने भी कहा वो ये कि सरकार जो है कहीं ना कहीं मन बना रही है कि वो पूजा सिंघल पर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजने की। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।